बीएसए ऑफिस में सेवारत लेखाकार इंद्राज सिंह और लिपिक रामायण पाल को भ्रष्टाचार के आरोप में गुरुवार को जंगा पुलिस ने बीएसए ऑफिस से ही हिरासत में लिया था और उनके ऊपर लगे आरोपों की विवेचना शुरू कर दी थी। लेकिन किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुबोली के प्रधानाचार्य डॉक्टर विनय सिंह ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को जंगा पुलिस ने आधी रात को ही रिहा कर दिया है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस भ्रष्टाचार में शामिल आरोपियों को पुलिस बचाना चाहती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर विनय सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने किसी दबाव में आकर रिहा कर दिया है। जब इस संबंध में गोरखपुर न्यूज ने एसपी नॉर्थ से बात की तो उन्होंने बताया कि मेडिकल के आधार पर दोनों आरोपियों को बेल दी गई है। उन्होंने बताया चार्जशीट करने के बाद फिर दो लोगों को जेल पहले दे चुकी पुलिस, शेष बचे हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जेल नहीं जा पाएंगे ना, सात साल से नीचे सजा वाले सर 467, 468, 471 से सब 10 साल से ऊपर की सजा वाले धारा 421 में। बेसिक शिक्षा विभाग में इंद्रहास सिंह नाम के एक लिपिक कार्यरत है। उन्होंने दो अप्रशिक्षित अध्यापकों को, जिनका विभाग ने 7300 रुपये मासिक नियत वेतनमान तय किया था, उनको फर्जी प्रशिक्षण मुक्ति का आदेश जारी कर दिया। एडी बेसिक का फर्जी और कूटरचित आदेश बना करके इंद्रहास सिंह ने स्वयं ही एडी बेसिक का फर्जी आदेश भी, फर्जी सिग्नेचर भी किया। उसके बाद लेखाधिकारी की फर्जी सिग्नेचर बना करके 23-23 लाख रुपये का एरियर उन्होंने उन सहायक अध्यापकों को दिया, जिनका वेतन केवल 7300 था। उसके बाद इस पूरे प रकरण में 57,80,000 रुपये की राजकोष से फर्जी निकासी हुई है और अधिकारियों को फर्जी आदेश बना करके हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने इस प्रकरण की जांच किया, फिर वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश ने इस प्रकरण की जांच किया और दो अध्यापकों सहित वित्त लेखा विभाग में कार्यरत इंद्रहास सिंह लिपिक को, रामायण पाल को, आत्मप्रकाश धर द्विवेदी लेखाधिकारी और राधेश्याम वर्मा लेखाधिकारी को इसमें उन्होंने उनकी गहरी संलिप्तता पाई और फर्जी भुगतान का आरोप उनके ऊपर लगाया। इस प्रकरण में जंगहा थाने में मुकदमा संख्या 171 धारा 419, 420, 467, 468, 471 दर्ज हुआ। प्रारंभ में दोनों सहायक अध्यापक जेल भेजे गए, फिर विवेचक ने प्रकरण की विवेचना की और अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में लाए। अन्य अभियुक्तों में कल दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। बीएसए ऑफिस से इंद्रहास सिंह की गिरफ्तारी हुई और रामायण पाल की गिरफ्तारी मोतीराम अड्डा से हुई। थाना जंगहा पे एक मुकदमा पंजीकृत है 419, 420, 467 का। इस मामले में विवेचक के द्वारा एविडेंस है, उसके आधार पे जो अभियुक्त थे उसको हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद जो मेडिकल ग्राउंड से उनके उसके आधार पे थाने से इनको बेल देकर छोड़ दिया गया था। और इसमें जो अन्य दो पहले से अभियुक्त थे उनको चार्जशीट ला के जेल भेजा गया था, जो वर्तमान में बेल पे बाहर है। और जो अन्य अभियुक्त इसमें जो नामजद है उनके खिलाफ भी चार्जशीट इसमें दायर की जाएगी।